the most compassionate, ever merciful, the merciful Lord of Quran. He created the man without him speech. The sun, the moon, move according to a fixed beginning. The stars and the trees bend in a prostration. He raised the heaven and set up the measure so that we should not transgress the measure. Always measure with justice. Ananda Karunamayudu, Apara Kripashiludu, Ayana, Allah Peritho, Prarambhistunnadu, Parama Kripashiludu, Ayana Devudu, Ee Quranam Bodhinchadu, Ayane, Manavudni Srishtinchi, Atanaki, Mandalatam Neppadu, Suryudu, Chandrudu, Oka Niyamavaliki, Kattubadi Unnadu, Nakshatralu, Vrukshalu, Ani, Sashtanga Padutu Unnayi, Ayana, Akashanni, Pagilaipadu, Rasanu, Nelakottadu. मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको, मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत मेरे हाथ
क्यों मुझको बनाते हो का सुबह का निशान।
उर्दू के मरीजों से यही कहना है, अपनी तहजीब को संसार में रुसवा न करो, यानी उर्दू को मिटाने का इरादा ना करो। ना मिटी थी, ना मिटी है, ना मिटी, ना मिटेगी उर्दू। चलिए आगे बढ़े। न्यू मॉडल हाई स्कूल की सना फातिमा, रूही अंजुम, सानिया फातिमा माधुरी हमारे उर्दू कथा पेश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम न्यू मॉडल हाई स्कूल दूध बोली के तलबार आप सबके सामने उर्दू की सारत, आप सबको सामने उर्दू की पुकार की सारत हासिल करें, इस पर जरा गौर फरमाइए। प्यारे बच्चों, तस्लीमा, तुमको मेरी तारुफ की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ उर्दू। प्यारे बच्चों, सदियां बीत गई, मेरे गोद में हजारों की तादाद में शोरा वजूद में आए, मेरे गोद में खेलते रहे। क्या यह अजीब बात नहीं कि मैं दिन पर दिन जवान ही होती जा रही हूँ? यूं महसूस होता है जैसे कि मैं कभी बुढ़ी होंगी ही नहीं। हाँ, कभी कभार मुझे मेरे बच्चे तकलीफ जरूर पहुंचाते हैं। तुम्हें मालूम है अभी मसरूर जैसे बड़े शायर मेरे ही गोद में खेल कर रहे हैं, और मैंने अपने हर बेटे को अपना खून जिगर देकर पाला है। और तुम जब दुनिया में आते हो तो पहला लफ्ज माँ कहीं तक अपनी जबान से अदा करते हो, वो मेरी ही जबान है। और मेरा वो बेटा जिसे इब्राहिम सौक के नाम से याद किया जाता है, जिसने अपना शाह के जरिए धूम मचा रखी थी, वो कहता था अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा मर के भी चैन न पाया तो डर जाएंगे। मेरे इन होनहार बेटों की फहरिस्त तैयार करना चाहूँ, और अगर मैं दरिया को स्याही बनाकर लिखती जाऊँ तो दरिया का पानी खत्म हो जाएगा, मगर मेरे बेटों के लड़कों की फहरिस्त कभी खत्म नहीं हो सकेगी। मैंने गालिब जैसा फाजल कलाम शायर दुनिया उर्दू अदब को दिया है, और मेरी गोद में खेलकर बड़ा जब उसकी बेटी दुल्हन के रूप में अल्लाह को प्यारी हो गई थी तो मेरे इसी बेटे को हर दर्जा सदमा हुआ था। इसी आमे रंग व लब में उसने कहा था, अब आया देहान ए लखते जिगर इस नामुरादी ले, अब आया देहान ए लखते जिगर इस नामुरादी ले, कफन भी साथ देना था इसे अस्बाब शादी में। मेरा किन भी क्या बाजों के नाम लूं, दामन खत्तार की तमीर रोक देती है। मैं कहती हूँ मुझे हर वक्त इस्तेमाल किया गया, जब तुम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो लोगों ने शेर पढ़ने में कुर्बानियाँ दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना अब जोर कितना बाजुए हाकिम में है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वाले वो नौजवान लड़के जो कौम का असासा थे, उनके सीने गोलियों से छलनी कर दिए गए, और वो बूढ़े जिनकी सफेद दाढ़ी देखकर चांद भी शर्मा जाता था, उनको तख्त नदार पर लटकाया गया, और वो बेटियां जिनके दुपट्टे बेहुर्मती का आतंक बने, चश्मा फलक ने देखा कि उन्हें सरेआम रुसवा किया गया, वो भी उनके बापों के सामने। और किसके लिए था ये सब? सिर्फ तुम्हारे लिए, जब जाकर तुम्हें आजादी मिली। उस वक्त मेरे लाल अल्लामा इकबाल का कलम हरकत में आया, मेरा ये गोल ऐसे फूल जो अशा कहता था कि जवानों को हिम्मत का अवसर नसीब होता था। मेरे इसी होना बेटे ने ये अशा दिए जिनके सबक तुम सर उठा कर जी रहे हो। वो कहा करता था, अगर जमा हो मेरी कौम के झुलसुल गयोर, अगर जमा हो मेरी कौम के झुलसुल गयोर, हलंदरी मेरी कुछ काम सिकंदरी से नहीं। और हमेशा वो कहा करता था, क्या उसने समझा है क्या इश्क ने जाना है, क्या उसने समझा है क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। और कितने बेटों के नाम लूं, कागज का दामन तंग है, मौलाना अबू कलाम आजाद ने तो सारी जिंदगी मेरी अतात व फरमाबरदारी में गुजारी। कभी तुम्हारे लिए जेलों में गया तो कभी दूर दराज इलाकों की सब्र
गई थी। तुम लोगों ने मुझे जिल्ला नहीं दिया, मुझे बड़ा दुख होता है ये देखकर जब बच्चा माँ कहकर अपनी हुवते गोयाई का आगाज करता है तो तुम उसे अपनी माँ को अम्मी कहने की बजाय मम्मी कहने का दर्द देने लग जाते हो और मैं इस मंजर को देखकर रो पड़ती हूँ। और जब बच्चा अपने वाली को अपमान या बाबा कहकर जिताने की कोशिश करता है तो तुम उसे अपनी हमारे जबान की है। माशाल्लाह उनका लड़की जिद्दा
कन्फेडरेशन ऑफ मराठी इंस्टीट्यूशन की जाने से हम आज सबसे पहले मैंने मिस्टर एमएस पारो प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ मराठी इंस्टीट्यूशन से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ लाए। जो उर्दू में इम्तियाजी निशानात हासिल किए हैं
और 10 उर्दू सहाफी को बतौर कैदियन तमगे मिल दिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी उनसे लड़ने जीता। रमजान मुबारक के बाद माह अगस्त या सितंबर में नेशनल उर्दू प्रमोशन कांग्रेस मुलाकात करने का इरादा रखती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तोमी और उर्दू अकेडमी इन कोशिश को कबूल फरमाए और उन्हें और सतह का मदा करे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आखिर में मजीद मैं एक बार आप तमाम साहबीन का जो अपनी मसूदियात के बावजूद इस कन्वेंशन में तरह से तशरीफ लाए हैं मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। कॉन्फेडरेशन ऑफ कनाडियन स्कूल। अब आइए इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ हाजी जनाब एम एस फारूक साहब को जो मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ कनाडियन इंस्टीट्यूशन के सदर हैं। मेरी अदालत उनसे गुजारिश है कि वो आप तमाम से मुखातिब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। सारी तारीफ खुदाए जायदाद के लिए जो मेहरबान और रहमान रहीम है। दुरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के मेहमान ने खुसूसी जनाब सैयद जमान का काजी साहब सदर उर्दू अकेडमी जिद्दा, जनाब ईश भाई साहब सादक जज, डॉक्टर आसफ सुल्ताना, नईमुल्ला शरीफ साहब, कबीरुर्रहमान साहब, बशीरुद्दीन फारूकी साहब, मोहम्मद अनवर खान साहब, तलबा व तालिबा, उस्तादा और सहाफ़ी, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और उर्दू अकेडमी जिद्दा ज़ेर एहतमाम बनवान अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ो उर्दू ज़बाँ के तहत आज का ये कन्वेंशन जिसमें मेहमान ने खुसूसी कैफियत से शरीक हैं आपके दियार गैर के गैर में उर्दू ज़बाँ के फ़रोग और उर्दू की बका और तरक्की के लिए उर्दू की नई बस्तियाँ तामीर करने में अपने हम ख्याल अहबाब के साथ सरजमीन अरब मारूफ शहर जिद्दा में उर्दू अकेडमी का ख्याम और इसके तहत उर्दू मीडियम के करीब और नादार तलबा और तालिबात के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत जनाब सैयद जमालुल्लाह कादरी साहब सदर उर्दू अकेडमी जिद्दा हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जनाब इस्माइल साहब सादक जज और सादक मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपना वक्त दिया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर अफजल सुल्ताना सदर शोबे उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी और डायरेक्टर और डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद, बेस्ट टीचर अवार्ड याफ्ता चंद्रोस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब के हाथों वहीद अख्तर नखा की किताब की रस्म रोमाई अंजाम दी गई। इसके अलावा और तीन किताबों की मुसन्निफा और आपके कई मजामी मुल्क व बैरून मुल्क के रसायल और जराय में शाये होकर मकबूल हो चुकी हैं। आपका मकाला इंतहाई मालूम आप भी रहता है। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, जरूर आपकी मालूम से सामयिक मुस्तफ़ीद होंगे। मैं मोहम्मद अनवर खान साहब, फहीम साहब और बशीरुद्दीन अहमद फारूकी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हम यहाँ पर तशरीफ़ लाकर हमारी हिम्मत अफजाई की। रही बात उर्दू ज़बान के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूँगा कि हज़रात जो कौम अपनी ज़ुबान अपनी तहजीब अपनी सकाफत की हिफाजत नहीं करती वो मुर्दा कौम कहलाती है और जो कौमें अपनी ज़ुबान और अपनी तहजीब को ज़िंदा रखती है वो ज़माने के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर
मुल्क व मिल्लत की तामीर में और उसके तरक्की व तरवी में नुमाया किरदार अदा करती है। बकौल किसी फिलासफर के, जब किसी कौम का सफ़े हस्ती से मिटाना हो तो उसकी जुबान, उसकी मादरी जुबान ख़त्म कर दो, वो कौम खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। आज के इस पुराशोक दौर में जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी अपने उरूज की मंजिलों को छू रही है, वहीं कई जुबानें दम तोड़ चुकी है। उर्दू जबान एक आलमगीर जबान है, कुदरत ने इसमें एक लचक दी है। हमें इसको जितना दबाओगे उतना ही उभरेगी। अपने ही वतन में उर्दू जबान को बेआबरू करने में गैरों ने कोई कसर बाकी न रखी, लेकिन इसकी मिठास, इसकी शीरनी ने दयाल गैर में वो फूल खिलाए जिसकी महक और खुशबू दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को मुअत्तर कर दिया। उर्दू जबान एक जिंदा जबान है, जिंदा कौम की जबान है, जिंदगी की अलामत है, और हमें फख्र है कि इस जुबान के पढ़ने लिखने और समझने वाले हैं। जो मीर की गज़ल सौदा का फकीदा अनीस के मरसिए और अमजद हैदराबादी की रुबाइयात, मखदूम की नज़में वगैरह इस जुबान को वसीला बनाकर उर्दू जबान को बामे उरूज तक पहुँचाया। मौजूद सामान्य कराम, उर्दू हिंदुस्तान की जुबान ने इस जुबान को इस मुल्क के तमाम मजाहब के साम मानने वालों ने इसकी तरक्की में अहम रोल अदा किया, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। हमें चाहिए कि जहां हम अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से तालीम दिलवाना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें अंग्रेजी मीडियम में तालीम दिलवाएँ, लेकिन अव्वल जबान के तौर पर उर्दू को भी पढ़ाएँ। हर घर में वालदैन अपने बच्चों को मादरी जबान की खसूसियात और उसकी अहमियत को हिफाजत से वाकिफ करवाएँ, ताकि हम अपनी मादरी जबान की हिफाजत करें और उसको परवान चढ़ाने में अपना हिस्सा अदा करें। यकीनन यह अमल अपनी मादरी जबान की तरक्की और उसकी तामीर में मुआविन साबित होगा। हमें गैरत से गिला शिकवा करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम खुद अपने चमन की आबियारी कर सकते हैं। आखिर में मैं तमाम अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के उर्दू असातिज़ा और उर्दू में नुमाया तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात और सहाफ़ियों को तो मेरी जानिब से और उर्दू अकेडमी जिद्दा और कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो आइंदा भी इसी तरह मेहनत करके उर्दू जुबान के फरोग और तरक्की में अपना ताबुन अमल जारी रखें। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए बस इतना कहूँगा, कदम कदम पे बहारें तुम्हें सलाम करें, सजा का जिक्र भी तुम्हारे आस पास न हो। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं, दा सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। खुदा उर्दू यानी शीर्ण रिखा अपनापन कुलूस मोहब्बत प्यार वफा, यही तो उर्दू है। भविष्य में इंसान हम सब जानते हैं इंसानियत इन्हीं चीज़ों से इबारत है, यही इबारत उर्दू कहलाती है। उर्दू को आम करना, उर्दू को आम करना मतलब इंसानियत को आम करना। इस नेक काम को आगे बढ़ाने के लिए मौके पर नाम आज जो अंग्रेजी स्कूलों में उर्दू बालिका पर कई बार जबान के तालुक से जुबान एक नामियाती शय है, यानी उससे बढ़ने की सलाहियत जुबान में रहती है और जो इतफाई मनाजू जो तय करती है तो पूरा पूरा खुद सनाती खुदा सनाती का नशा भी होती है। खुदा की फिक्राई तो कुदरत कामला का एहसास जुबान ही से होता है, ना कि उस जमीन का नशा भी है। समाजी व माशी जरूरत का नाम है, तहजीब व सकाफत की अमीन होती है। जुबान के इतफाई अमल
हदीम क्लास की अजदी जुबानों का एक शानदार माहौल है, जिसने हमारे सकाफती मंजरनामे को कसीर जहाँ बनाने में मदद किया। हमारे पहले माहौल में उर्दू जुबान हमारे अजीम हिस्से की इबादत और कौमी तामीर के हिस्से में मुस्तरक है। उर्दू जुबान को हिंदुस्तान की मुस्तरिका कौमी तहजीब और तहसील अल्लाह के वसीले के तौर पर भी माना जाता है। यह जुबान आलमी जुबान बनकर उठा रही है और तमाम ममालिक में इतिहाद वो वसीले का रास्ता बनी हुई है। जुबान के तालुक में यह कहना चाहूँगी कि जुबान नहीं तो जहन नहीं, जुबान नहीं तो जहन नहीं, और जब जहन नहीं तो जिंदगी नहीं। पहले जुबान अवाखिलात का बेहतरीन जरिया है। रही बात मादरी जुबान के तालुक से, मादर फारसी लफ्ज है, मादरी का पाए लफ पाए निकाली मात्र मनसूख है, यानी माँ वाली जुबान। माँ के वजूद में अल्लाह ताला का करम मौजूद है और अल्लाह ने माँ को ऐसा बस तबीयत दिया है कि जिसकी खुशबू बच्चा महसूस करता है और रोता हुआ बच्चा भी समझ जाता है और इस दौरान बच्चा माँ की जुबान डोरी से बेहद मुतासिर होता है। माँ की जुबान बच्चों की तरबियत में बेहद जरूरी है। इस तरह माँ की गोद से ही बच्चों की मादरी जुबान से तरबियत हासिल होती है और इसी जुबान में लोग आगे बढ़कर महारत हासिल करता है। यही बात उर्दू के ताल्लुक से हैदराबाद जो उर्दू का बाली इलाका है, यहाँ कम वे 100 साल तक जंग उस्मानिया जो आज भी कायम है वहाँ का जर तालीम उर्दू का। वहाँ के हामिल समझ जाता डॉक्टर इंजीनियर ICS IAS ऑफिसर और ऐसे कई दीगर नामी ग्रामी असाब हैं जो उर्दू के जरिए तालीम हासिल करके मुल्क का और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। आप हमारे दरमियान प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी जो मेहमान खसूसी थे, किसी तबीयत की नासाजी की बिना पर आ नहीं सके, ऐसी शख्सियात भी हैं जिन्होंने उर्दू जरिए तालीम से इल्म हासिल करके मुल्क की मायानाज यूनिवर्सिटी जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उसके जरूर अहदे जैसे वाइस चांसलर के अहदे पर कायम रह चुके हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। और क्या यही सवाल सबके जहन में उभरता है कि उर्दू जरिए तालीम से रोजगार के मौके नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो लोग थे उर्दू जुबान से तालीम हासिल करके कि वो बेरोजगार थे, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। उर्दू और चाहे कोई भी जुबान हो रोजगार से उसको मुंसलिक किया जाना वो अलग बात है। हाँ ये एक बात यकीनी तौर पर ये बाबल पैदा हो रहा है कि उर्दू से रोजगार हासिल नहीं होता, लेकिन मेरा जवाब या मेरी नज़र में सादा सीधा एक जवाब है कि उर्दू अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं करती। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को दाखिला दिलवाइए जरूर, लेकिन उनकी मादरी जुबान उर्दू से वाकिफियत भी ज़रूरी है। मैं तमाम स्कूल इंतजामिया से ख्वाहिश करूँगी कि वो अपने अपने मदारिस में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाए। आज सूरत हाल उर्दू जुबान की यह है कि वालदैन की गलती है, या वालदैन खूब उर्दू पढ़ते हैं और बच्चों को उर्दू की तरफ राहत करते हैं, इसी वजह से उर्दू पढ़ना काबिल फख्र नहीं समझते। काबिल फख्र ये समझते हैं कि अंग्रेजी जुबान पढ़े, अंग्रेजी बोलना सीखे, अंग्रेजी लिखना सीखे, बस। तो रही जुबान की हालत तो अपनों ही ने अपनी जुबान को दूर कर दिया। जब कौमें बेहिस बेशऊर और बेजमीर हो जाती हैं तो सबसे पहली चीज़ जो अनुभव जाती है उसकी तहजीबी अलामत। और जो सारी सहूलतें रहने के बावजूद भी उर्दू बाशूर तबके से दूर बहुत दूर होती जा रही है। उर्दू वाले उर्दू नहीं बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, इसकी बजाय अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना काबिल फख्र समझेंगे, तो जाहिर है उर्दू जुबान का नुकसान ही होगा। जुबान एक नामियत ही है या सबसे बढ़ने की सलाहियत है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो गुजरा रहती है, अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो वो बोली भी खत्म हो जाती है। एक जमाना यह था कि हैदराबाद में दखनी दौर दखनी का आम चलन था, तो इस लिहाज से वो आहिस्ता आहिस्ता बोली के तौर पर भी खत्म हो चुकी है। जब घरों में उर्दू का माहौल नहीं रहा तो फिर जाहिर है उर्दू की बोली भी खत्म हो जाएगी। वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम अपनी मादरी जुबान से गफलत न करें और मादरी जुबान को खोने वाले बदकिस्मत होते हैं। सियासत की शातिरा में इशार होती है कि जब किसी कौम को खत्म करना चाहे तो उसकी जुबान को खत्म किया जाते हैं। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि उर्दू जुबान आलमी जुबान बनकर उभर रही है
जदीद टेक्नोलॉजी के तमाम चैलेंजेस को उर्दू जुबान कबूल कर रही है। आप गूगल पर सर्च करें तो तमाम उर्दू के अहम वेबसाइट्स आपको दस्तियाब होंगे, जिससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उर्दू का मुस्तकबिल रोशन और काबिलियत है। एक पत्थर की तकदीर समझ सकती है, एक पत्थर की तकदीर समझ सकती है, शर्त यह है कि सलीके से सहारा जाए। उर्दू को असली तकाजों से मुंसलिक करके हम इंसानी तरक्की हासिल कर सकते हैं। उर्दू एक जिंदा जुबान है और जिंदा जुबान को कोई खत्म नहीं कर सकता। वो असाए मूसा था, यह कलम हमारा है। वो असाए मूसा था, यह कलम हमारा है। इससे हम भी पानी में रास्ता बनाते हैं, इससे हम भी पानी में रास्ता बनाते हैं। हमारा अज़्म ही हमको असाए मूसा है, हमारा अज़्म ही हमको असाए मूसा है। जो चल पड़ेंगे तो दरिया भी रास्ता देगा। इस लिहाज से वालदेन से गुजारिश है कि वो हजारों का डोनेशन देकर अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला दिलवाते हैं, क्योंकि उर्दू की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हालांकि मजहबी अदब उर्दू में सबसे ज़्यादा आखिरी देगा। और उर्दू जबान सिर्फ बोलने और सुनने का नाम नहीं बल्कि जीने का नाम है। इसमें तहजीब है, उर्दू हमारे लिए एक तर्ज हयात है। जब बच्चे उर्दू जबान पढ़ते हैं तो जाहिर है उन्हें इस्लामी अदब पढ़ने के लिए आसानी हो जाती है, जिसमें बच्चों को अखलाकी, तहजीबी और तमाम सकाफती बातें मिलती है। एक ज़माना वो था जब स्कूलों में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनियात का भी एक मजमून लाजमी तौर पर पाया जाता है जाता था। इस लिहाज से बच्चे खुद ब खुद अखलाकी कहानियाँ सीख कर अपने बड़ों का अदब, छोटों का अदब, उस्ताद का अदब, वालदैन का अदब, पड़ोसी के हकूक वगैरह अदा कर सकते थे। इस सिलसिले में यह कहना चाहूँगी कि हाल ही में UGC की जानिब से ग्रेजुएशन की सतह पर एक बच्चे का इजाफा किया गया, जिसका उनवान है ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स। इसमें क्या है, सिर्फ अखलाकी अखदार की बातें ही बताई जा रही हैं। जबकि मैं कहना चाहूँगी कि उर्दू जुबान से अगर वाकिफ है तो आपको ये तमाम अखलाकी बातें हमारी उर्दू जुबान के अजीम हिस्से में मिली। बच्चे अगर उर्दू जुबान से वाकिफ हैं तो ज़रूर उन्हें अखलाकियात का अदब बहुत हासिल हो जाएगा। एक और बात, चंद रोज पहले अखबार की इतला के बमोजी साइंसी नुक़ नज़र से तहकीक सामने आई सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च की जानिब से, जो तहकीकी इदारा है, उसके जरिए ये बात सामने आई कि उर्दू जुबान पढ़ने से आसाबी अमराज का इलाज मुमकिन है। तो देखिए किस तरह उर्दू पढ़ने से साइंसी तौर पर भी हमको फायदेमंद साबित किया गया है। इसलिए कि उर्दू जुबान जब लिखते हैं तो दाई जानिब से बाई जानिब जो लिखी जाती है तो उससे दिमाग को एक खास किस्म की राहत होती है। इस लिहाज से आसाबी अमराज का इलाज भी उर्दू जुबान से मुमकिन है। हाँ, एक दिन पहले हमारे वज़ीर आला जनाब केसरिया साहब ने खुद आइन ऐलान किया है कि तमाम सरकारी और खानगी मदारिस में उर्दू को दूसरी जबान या सरकारी जबान उर्दू को हर स्कूल में पढ़ाई जाने के इकदाम जारी किए जाएंगे। मैं आप तमाम स्कूल इंतजामिया से ख्वाहिश करती हूँ कि अपने मदारिस में जल्द से जल्द उर्दू पढ़ाने का इंतजाम करें। अगर आपके मदारिस में उर्दू का कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे खिदमात कीजिए, हम आगे आएंगे। उर्दू के ताल्लुक से मैं चंद बातें यहाँ पर सुधार करना चाहूँगी कि उर्दू मीठी और हिंदुस्तानी तहजीब की जुबान है। एक ऐसी जुबान है जो ताजमहल जैसी खूबसूरत, लाल किला जैसी मजबूत और कुतुब मीनार जैसी बुलंद है। साबित वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने अवाम को गरीबी हटाओ का नारा उर्दू जुबान में दिया था। हमारे मुल्क के पहले वज़ीर तालीम जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आराम हराम है का नारा उर्दू जुबान में दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी उर्दू जुबान ही का दिया हुआ है। तो बहरहाल कहना यह है कि उर्दू अपने जिस्म और रूह में एक खालिद हिंदुस्तानी जुबान है। हिंदुस्तान से इसका रिश्ता दो सलाखों का रिश्ता है, क्योंकि उर्दू जुबान में सियासत, फलसफा, मजहब, अखलाक सबकी तब्दील हो सकती है। अब यह हिंदुस्तान की मीरास है, करोड़ों हिंदुस्तानियों की जुबान है। यह सर सैद हाली सिद्दी अब्बास मीर अबुल कलाम आजाद की जुबान है। तो दूसरी तरफ हर गोपाल गुप्ता, पंडित जयाशंकर नसीम, प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, नरेंद्र सिंह बेदी, जवाहरलाल नेहरू और सचेत बहादुर पुत्रों की भी जुबान है। बहुत सचेत बहादुर पुत्रों उर्दू इज कॉमन कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही में नहीं उर्दू बोली जाती बल्कि अंग्रेजी और चीनी जुबान के बाद दुनिया की तीसरी जुबान का मकाम उर्दू को हासिल है। हाल ही में उर्दू हाल ही में और जुबान के तालुक को जो सर्वे किया गया है उसमें जिन जुबानों को खतरा ग्राहक है जिन जुबान के वजूद को खतरा ग्राहक है उसमें खुदा का शुक्र है कि उर्दू नहीं है। तो ये बहुत ही हमारे लिए हौसलापूर्ण बात है। इन बातों को सामने रखते हुए मैं कहना चाहूँगी कि उर्दू के फरोग की जिम्मेदारी उर्दू वालों पर है कि वो अपने बच्चों को मादरी जुबान में तालीम दिलाएँ। जब मादरी जुबान में तालीम दिलाएँ तो उर्दू के मदार कायम होंगे, उर्दू के असाजा से दफन होगा, उर्दू के अखबारा को रसायल दायर होंगे। हमारी उर्दू जुबान इस लायक हो चुकी है कि जदीद टेक्नोलॉजी से भी पूरे तौर पर हम मानेंगे कि उर्दू में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से रोजगार के मौके भी कायम है। जैसे इश्तहारा साजी के मैदान में भी आपको मौके हैं। अगर कोई डी टी पी उर्दू में महारत हासिल करता है तो वो उससे रोजगार फराहम कर सकता है। इश्तहारा साजी के लिए माहिर का तहर किया जाता है। फ्लैक्स और अम्बारा को रसायल रुखे बनाने का जो काम है वो भी उर्दू में किया जा रहा है। अम्बारा से खबरें टाइप करने के लिए उर्दू कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। अगर किसी को उर्दू कंप्यूटर लाती है तो घर बैठे भी जॉब कर सकता है। ये तमाम बातें उर्दू से रोजगार से मुंसलिक है। हमें उर्दू का माध्यम करने की जरूरत नहीं उर्दू का मुस्तकबिल यकीन और रोशन है। क्या दुनिया की किसी भी जुबान से पीछे नहीं असर हाजिर के तहाजों को पूरा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले उर्दू के हवाले से चंद अशआर सुनाना चाहूँगी। मौजे कौसर की तरह नर्म और रवा है उर्दू, मौजे कौसर की तरह नर्म और रवा है उर्दू, तबे दुश्मन पे मदद फिर से गिरा है उर्दू। अहले महफिल तुम्हें माहर का सुखन याद रहे, अहले महफिल तुम्हें माहर का सुखन याद रहे, हिम्मतें अपनी जवान है तो जवान है उर्दू। जनाब कबीरुर रहमान साहब, सैयद जमील कादरी साहब, मेमुंदा जलील साहब, मोहतरमा प्रोफेसर अख्तर सुल्तान साहिबा, जनाब अहमद बशीर जी साहब, अनवर खान, जफरुल्ला फजील साहब, दाऊद पति साहब, दीगर हाकिम, मोजिस सामीन और प्यारे तलबा और तालिबा, ये बड़ी खुशी की बात है कि फेडरेशन में उन बच्चों को यहाँ से नवा रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम में उर्दू पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती की जो अब दूर की जा रही है। हम जब पढ़ते थे क्योंकि हम भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे लेकिन उर्दू जबान हमको सिखाई जाती थी, हम उर्दू जबान को लेते थे। आज कई स्कूलों में उर्दू जबान पढ़ाई नहीं जाती, लिहाजा हमको चाहिए कि इसकी तरफ हम हुकूमत की तवज्जो करें कि जहाँ भी 25 बच्चे उर्दू पढ़ना चाहें वहाँ उर्दू वालों को वहाँ स्कूल वालों का कंपल्सरी है कि वो उर्दू जबान भी रखें, लेकिन इस बारे में हम ज़्यादा तवज्जो नहीं करते। हमारे ज़माने में गलतियाँ हो चुके क्योंकि उसी वक्त हैदराबाद अजीब हालात से गुजर रहा था, लेकिन अब हमको चाहिए कि हम कम से कम अपने बच्चों को अगर उर्दू न पढ़ाएं तो अपने पोतरे पोतरे नवासे नवासियों को भी उर्दू सिखाएं ताकि उर्दू जबान वो सीख जाएं। क्योंकि ज़्यादा दीनी लिटरेचर और ज़्यादा चीज़ें उर्दू जबान ही में हैं, लिहाजा उर्दू जबान हमको सीखना चाहिए। और मादरी जबान की बात इंसान को नहीं आती, और मैं देखता हूँ अक्सर कर्नाटका और मद्रास वगैरह में लोग अंग्रेजी में बात करके खुश होते हैं, घर में उर्दू बात करना भी पसंद नहीं करते। तो ये हमारी गलतफहमी है, ऐसा एक कमतरी है। मैं बहुत से गाय घरानों से और बहुत से लोगों से बात करता हूँ और जो घर में कभी अंग्रेजी बात नहीं करते, तो हमको भी चाहिए कि हम घर में उर्दू ही बात करें। सिखाने के लिए अंग्रेजी बात करने की और बात है। और मैं कॉन्फेडरेशन का भी शुक्रगुजार हूँ और जनाब जमात का आकर भी शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने जितने में भी उर्दू की तरक्की के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और अभी जैसा किसी ने कहा कि शायद अप्रैल में भी वो कोई मीटिंग कर रहे हैं,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े जन आइंदा भी ऐसे ही काम करते रहेगा और हमारे बच्चे भी उर्दू जबान सीखते रहेंगे और इंशाअल्लाह उर्दू जबान हर जगह देखी जाती है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह गया तो लोग इंटरनेट पर हमारे उर्दू पेपर बराबर पढ़ते हैं जो हमारे जनरेशन के हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नए जनरेशन के लोग भी उर्दू की तरफ तवज्जो देंगे और उर्दू सीखेंगे। अस्सलाम। अभी आप पी इस्माइल साहब सादा जज और इसके बाद आदरे सदस्यान सदरे कन्वेंशन जनाब मुकरम जनाब अहमद फारूक साहब मेहमान खुशी मोहतर मुकाम जनाब अली जमान अल्लाह आलिम साहब सदर अकेडमी जनता राष्ट्रपति फरमान माहिर में तालीम तारीख पुराने कौर बाबी ने शहर और अजीज तलबा और तालबा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और उर्दू अकेडमी जिद्दा को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज हमारे मिल्लत के एक अहम और बहुत ही सुलभते हुए उन्वान पर आज का ये कन्वेंशन रखा है जिसका उन्वान है अंग्रेजी स्कूलों में फ़रोग उर्दू ज़बान। कन्वेंशन की मुनासिबत से मैंने एक पेपर लिखा है जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। आप ऐसे बहुत से लोग जानते हैं कि मैं तकरीर करता हूँ आमतौर पर आवामी जलसों में, लेकिन चूँकि सेमिनार और कन्वेंशन में पेपर पढ़ना है लिहाजा कुछ बातें मैंने अपने तौर पर इसलिए लिखी है कि आप सबको गौर फिक्र का मौका मिल सके। अंग्रेजी स्कूलों में फ़रोग उर्दू ज़बान का मसला अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन जहाँ तक उर्दू ज़रिए तालीम का मसला है ये खुद आज एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की तारीख में एक नई सुबह के आगाज के साथ ही जिस रवैये ने हिंदुस्तानी समाज में फिरकापरस्ती का जहर खोला वो मुल्क में मुरवजा जबानी उर्दू को एक मुनजम साजिश के तहत खत्म कर देने का रुझान था। आज़ादी वतन के मान बाद मुल्क में एक ऐसा बासर तबका पैदा हुआ जिसने उर्दू जरिए तालीम की इस कदर मुखालफत की कि लोगों ने उर्दू जरिए तालीम को अपनाना अपने लिए कसरे शान समझने लगा। आप जानते हैं कि जामिया उस्मानिया जो कायम हुई थी उसका उर्दू जरिए तालीम ही था और उर्दू तालीम हासिल करके हमारे बुजुर्गों ने हमारे स्टाफ ने जिनमें मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी है उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया। लेकिन आज़ादी के बाद फिरकापरस्ती के इस जहन ने उर्दू को यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि यह ज़बान वक्त के तकाज़ों के साथ और असर हाजिर के तकाज़ों की तकमील नहीं कर सकती। चुनांचे आज सूरत हाल यह है कि उर्दू से उसके माजी वसीले और सियासी मफादात जो कुछ वाबस्ता थे उसको खत्म कर दिया गया और लिसानी असलियत का ऐसा शर्मनाक मुजाहरा हमारे मुल्क में हुआ कि आबादी के 68 साल के बाद आज हम देखते हैं कि सिवाय कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी रियासत के भी उर्दू एक सरकारी जबान की हैसियत से तस्लीम नहीं की और जहाँ तस्लीम की गई है वहाँ पर उसको सिर्फ कागज की हद तक कर दिया गया है। अमली अहदाबाद तो हमारे सामने नहीं आते। हमारे अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन पहले असम्बली में ऐलान किया कि वो उर्दू को यहाँ पर दूसरी सरकारी जबान का मौका देने का ऐलान करते हैं, लेकिन इससे पहले की हुकूमतों ने भी 13 अज़ा में उर्दू को उसका दूसरा मकाम देने का ऐलान किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि वहाँ पर इस पर कोई अमलावरी नहीं हो सकी। मैं यहाँ पर एक कोटेशन देता हूँ, बहुत ही मशहूर कोटेशन है जो डॉक्टर अब्दुलरहमान बिजनूरी का है। आज से 100 साल पहले उन्होंने उर्दू जरिए तालीम के ताल्लुक से बात लिखी थी कि 1916 पर एक आर्टिकल मुझे मिला जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि उर्दू जबान के ताल्लुक से कि जब तक तलबा को मादरी जबान में तालीम न दी जाए तालीम किसी तरह जुज़्व हयात नहीं हो सकती। तावत के उर्दू को जरिए तदरीस न बनाया जाए। अगर हमारे तलबा में से हर सर में 1000 तमाम हों तब भी
हमारे तलबा में हर एक सर में हजार दिमाग हो तब भी बेकार है। हमारे मौजूदा तलबा तोते की तरह आवाज लगाते हैं और महज सूरत परस्त है। इनका वजूद और अदम बराबर है, बल्कि इनका वजूद अदम से बदतर है। अगर वो तालीम याफ्ता न होते तो शायद ख्वाए जिस्मानी से तनाजुल बका यानी अपनी हस्ती को कायम रखने के काबिल होते। ये अल्फाज 10 साल पहले उर्दू में लिखे गए हैं। लाजमी चीज है कि आज की नौजवान नस्ल बल्कि ऐसे लोग जिनका अंग्रेजी में तालीम है वो भी शायद इस बात पर गौर नहीं कर सकेंगे कि ख्वाए जिस्मानी से वो काम कर सकते थे अगर वो उर्दू जबान से तालीम हासिल कर सकते। लेकिन उर्दू जबान के तालीम न होने की वजह से उन्होंने अपने तालीम को अपने नामुकम्मल तालीम ने उन्हें इस काबिल भी न समझा। चुनाचे आप देख रहे हैं कि इस वक्त इम्तिहान का माहौल है और इन इम्तिहान में मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि तलबा रख कर इम्तिहान लिख रहे हैं। अगर उनसे ये सवाल किया जाए बीच में रुक कर कि इसके क्या माने हैं तो कोई माने बताने के काबिल नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी तालीम इस तरीके से वो हासिल की है कि कुछ बुक्स आ गए उनके सामने और कुछ पढ़ा दिए गए। मैं भी आ रहा हूँ एक मीटिंग से एक उर्दू अकेडमी की किताब का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट फार्मा 1972 में और 2000 तक कोई किताब उर्दू में मौजूद नहीं थी। उर्दू अकेडमी बहुत अच्छे काम कर रही है, मुझे उनके कामों से कोई इनकार नहीं है। शोरा अदीबों शायरों सहाबियों की खिदमत का एतराफ़ किया जाता है और किया जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज का वो तबका है जो लोगों को जो है ना अपनी सलाहियतों के जरिए उनके अंदर शऊर की बेदारी का काम करता है। लेकिन जहाँ तक जरिए तालीम की बात है, आप जानते कोई किताब मौजूद नहीं थी उर्दू मीडियम की। चुनाचे 2000 से पहले इंटरमीडिएट के आप नतज पर गौर कीजिए कि क्या नतज आते और उसके बाद कोशिश की गई और उर्दू मीडियम की किताब आनी शुरू हुई। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि तेलुगु अकेडमी ने उर्दू किताबों को शाया करने का बेड़ा उठाया और 24 किताबें 2001 में शाया की गई, साइंस की ह्यूमैनिटीज की कॉमर्स की सारी किताबें। और जो सुधीर साहब उस वक्त माइनॉरिटी के कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं उस वक्त वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि अगर उर्दू मीडियम की किताब नहीं शाया करेगी तेलुगु अकेडमी की तो मैं अंग्रेजी और तेलुगु किताबों की भी शाया करने की इजाजत नहीं दी है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है जो यानी बदले लोगों के सारे वसायल हैं उनके उन्होंने जो है ना एक प्लान बनाया है और उस प्लान के तहत पूरे सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बदल देना। आप समाज में के प्रोफेसर दबरा ये नाम याद रख लीजिए, आप प्रोफेसर दबरा को जो जिम्मेदारी दी गई है जो आज इसके बहुत बड़े डायवा आइडलॉग है जो दिल्ली केरला के अंदर जिसने कहा गया कि साहब क्या प्राण को अंग्रेजी रोमन में पढ़ा जा सकता है और मैंने कहा कि नहीं अरबी में ही पढ़ाना है प्राण को, आप तर्जुमा आप अंग्रेजी में पढ़िए उर्दू में पढ़िए। लिहाजा आज हमारे नौजवान हमारे प्रोफेसर बादशाह हमारे हिंदी में लिखकर उर्दू को पढ़ रहे हैं जिससे उर्दू जिंदा नहीं हो। हिंदुस्तान में हमारी पहचान
हमारी नस्ल के इतिबार से हम क्या हैं हम जानते हैं। हमें ये भी मालूम है कि हमारी जबान क्या है। अब इस जबान को महफूज कैसा रखा जाए और इसके लिए क्या तदाबीर होनी चाहिए, उसके लिए शायद एक कन्वेंशन खबर किया गया है। मैं आपको मौजूदा हालात में एक बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जबान की क्या अहमियत है। आज की जो हुकूमत है वो चाहती है कि सारे कौम को यकजगा लाया जाए, क्योंकि सारे इलाकों की जबान और प्यारे बच्चों, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का शुक्रिया अदा कर सकूं। बात दरअसल यह है कि जो कहा जाता है कि दिन से दिल को राह होती है, ऐसा ही कुछ मामला हुआ कि आज से कोई एक हफ्ता पहले इस कॉन्फेडरेशन के वो रवा जनाब खलीलुर रहमान साहब जो दिल्ली मुस्लिम के कानी भी है, इनसे मेरी मुलाकात उनके अपने मदरसे में हुई और वहाँ इन्होंने जब ये बात कही तो मैंने भी ये बात उनसे वही स्कूल में कही कि हमारा दो साल से ये मुसलसल हमारा हमारी कोशिश हो रही है कि इसी तौर पर अंग्रेजी मीडियम मदारिस में उर्दू कम से कम एक सब्जेक्ट के तौर पर शामिल की जाए। कुछ अंग्रेजी मीडियम मदारिस के हम जो करस्पॉन्डेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, हमारे सरपंच से आला जनाब आसिफ चंदानी साहब के हमारा उनके पास हम मुलाकात भी किए। कुछ हजरात ने मस्बत प्रत्याहत भी जाहिर किया, लेकिन बाद हजरात ने यह भी कहा कि भाई उर्दू से फ़ायदा क्या है, जो जबान से अब कोई फ़ायदा नहीं है, जो जबान रोजगार से मजबूत ना हो और जो जबान कम हो रही है उस जबान पर अब काम करके फ़ायदा क्या। लेकिन मैं यकीनन ये हजरात जो अंग्रेजी मीडियम मदारिस के खासतौर से कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जो हजरात हैं फारूक साहब की निगरानी है और इसी तरीके से और हम ख्याल हजरात ने जिस तरीके से इसकी आगियारी की, यहाँ से नसीम फरमा है, नईमुल्ला शरीफ साहब नसीम फरमा है, नईमुल्ला शरीफ साहब हमारी उर्दू अकेडमी जिंदा से जमाने तक वाबस्ता रहे और उनकी बड़ी खिदमत हुई। करीम नगर के एक हमारे मसूद अली अकबर साहब या नसीम फरमा है, करीम नगर से नसीम का है, तकरीबन तेलंगाना और आगरा के अजला में उर्दू अकेडमी जिंदा के कई कोऑर्डिनेटर्स हैं अलहमदिल्ला जो उर्दू के परवान में उर्दू को फरोग देने में अपने कहीं जो भी उनका रोल हो सकता है, जो भी वो कर सकते हैं परवान अलहमदिल्ला कर रहे हैं। मैं बड़ी तहसील की नज़रों से जो देखता हूँ, मैं खुद नहीं अपनी पूरी उर्दू अकेडमी जिंदा के जो 72 अराकीन हैं तकरीबन वहाँ जिंदा में, उन सारे हालात को मैं ये इसकी सीढ़ी दिखाऊँगा और उनको वाकिफ कराऊँगा कि किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उर्दू को परवान चढ़ाने के लिए लोगों में जज्बा है और एक जगह है और उन्हें अभी उम्मीद है, अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद है और हमारी कोशिशें इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगी। अगर हमें भी और अभी तो रहमान साहब यहाँ नसीब फरमा है कि जिस वक्त से हम उर्दू अकेडमी जिंदा के यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बराबर अपनी गुनाहों मसूफियात के बावजूद
हमारे साथ रहते हैं, जिनके आप हमारी बयानात भी देखते रहते होंगे, खुद इनके बच्चों के साथ डी के स्कूल में जब उर्दू की ताकत से वहाँ पर बात हुई थी, उन्होंने ऊपर तक बहुत ही सख्त जद्दोजहद की और ये कोशिश में लगे हुए हैं। हमने यही बात जो आज हम जो जलसा कर रहे हैं, जिसका दो साल से हम खुद खलीफुर रहमान साहब के साथ मिलकर हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं और बतौर खास जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इदारा है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, जिनके पास हुकूमत करीम ने करोड़ों का बजट भी दिया हुआ है, उन लोगों पर भी उन लोगों से भी हमने गुजारिश की थी कि इस किस्म की कॉन्फ्रेंस करके कम से कम उर्दू को एक जबान की हैसियत से हर मदरसे में दाखिल किया जाए। उर्दू जबान की अहमियत और इसकी इफादियत, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस वास्ते क्या इतने बड़े बड़े दानिशों से उलमा इकराम से ये सारी बातें तफसील से सुन चुके हैं। मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ जो कोशिश कर रहे हैं, मैं और हमारे साथी यहाँ ही यहाँ से बाहर रहकर जद्दा में रहकर और गल्फ कंट्रीज में मुख्तलिफ मुकामात पर रहकर हम लोगों की कोशिश ये है कि अपनी ये जबान न सिर्फ यहाँ पर बल्कि सारी दुनिया में जिस तरीके से फैल रही है उसमें हम भी अपना कुछ रोल अदा करें। जैसे कि दाद का वो शेर है कि हिंदुस्तान में धूम हमारी जबान की है, तो हमने उसको यूँ कह दिया कि सारे जहाँ में धूम हमारी जबान की, और इसी को हमने अपना एक लोगों भी बना दिया उर्दू एक ऐसे जिद्दत है। तो कोशिश यही है और अलहमदिल्ला ये काम हो रहा है, ये बात नहीं तो उर्दू मर रही है, जो बातें करते हैं वो ऐसी बातें करते करते मर जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उर्दू कभी मरेगी नहीं। ये जबान ही ऐसी है, ये जबान ऐसी है जो मरने वाली जबान ही है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से बच्चों के अंदर और असातिज़ा इकराम के अंदर जो तरकीब दिलाने का जो बलबला और जोश पैदा हो रहा है, ये इससे हम कोई ऐसा नहीं कि हमें वाकिफ नहीं है, हम सब वाकिफ हैं, बहुत ही वाकिफ है, लेकिन इस काम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। सर हकीकत इसी तरह से आज हम लोग यहाँ पर जुड़ा हुआ, मुझे बेइंतहा मसरत हो रही है, बेइंतहा खुशी हो रही है कि इतने कम वक्त में आप इतनी बड़ी तादाद में आप गुजरात का तशरीफ लाए, ये यकीन ये मेरे लिए और उर्दू अकेडमी जनता के लिए बहुत ही बहुत खुशी का मौका है। और मैं ये सारी बातें यकीन हमारे वहाँ पर अहदेदारों को, अरकान को और जो उर्दू के कामों में जो लगे हुए हैं उन सबको मैं बताऊँगा, तो यकीन वो भी बहुत खुश होंगे क्योंकि उर्दू बोलने वालों की ज़्यादा बड़ी तादाद यकीन इस वक्त हैदराबाद दखन में मौजूद है। और इंशाअल्लाह उर्दू पढ़ी कहीं हो पढ़ी कहीं हो, लेकिन दखन को अलहमदिल्ला जो एजाज हासिल हो रहा है उर्दू के परवान चढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के शायद ही किसी शहर में एजाज किसी शहर को हासिल हो रहा है अलहमदिल्ला। अब मैं मकसद की तरफ आ रहा हूँ और मैं सबसे पहले ये मतलब शुक्रगुजार हूँ खासतौर से उर्दू अखबार के साथियों का कि इन्होंने अपना बेहतरीन रोल अदा किया और उर्दू के फरोग में अपने कहीं इनसे जो कुछ भी हो सकता था ये बराबर हमारे काम कर रहे हैं, चाहे उर्दू अकेडमी जुदा हो या कॉन्फिडेंस ऑफ नगर इंस्टीट्यूशन हो, ये हजरात बराबर हमारे खबरों को लोगों तक पहुँचा कर और उर्दू के फरोग के लिए इनसे जो हो सकता है ये कर रहे हैं। और मैं इनका बेइंतहा मंजूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये कोशिशें इनकी आगे भी जारी रहें। मकसद की तरफ आते हुए मेरी बात जो है वो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों के जो करस्पॉन्डेंट सेक्रेटरी या उसके ओनर्स हैं उन तक मेरी बात पहुँचनी है, उर्दू अकेडमी जिद्दा की जानी से और कॉन्फेडरेशन ऑफ पैरेंट इंस्टीट्यूशन की जानी से उन हजरात से मैं अदबन इंतवाज करता हूँ। हमारी गुजारिश है, इंतजा है कि बराए मेहरबानी इस तरीके से शुरू में एक बच्ची ने माँ की फरियाद के भगवान से तीन बच्चियों ने बड़े अच्छे अंदाज में बात कही कि ये जबान जो इस वक्त शिकायत कर रही है हमसे, जो हम अपनी मुकदस माँ को हम भूलते जा रहे हैं, अपनी माँ की जबान जो हमें अपनी तहजीब सिखाई और उठने बैठने रहने चलने और विशेष तो बरसात के आदाब इस जबान ने हमें सिखाए, आज इस जबान से न सिर्फ हम महरूम हो रहे हैं बल्कि हम अपने बच्चों को भी महरूम कर रहे हैं। ये बात हमारे वो हजरात जो खासतौर से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के माइनॉरिटी मैनेजमेंट के तहत जो स्कूल चल रहे हैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं है कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल अपना रखें, अंग्रेजी मीडियम स्कूल बेशक आ रखें, अंग्रेजी मीडियम स्कूल अंग्रेजी के पढ़ने से किसी को इख्तलाफ नहीं, बेशक अंग्रेजी का
जमान जो इस वक्त मकाम हासिल कर चुकी है, जिसके बगैर दुनिया में कहीं भी उठना बैठना और नौकरियों का हासिल करना इसके बगैर मुहाल नजर आता है, वो अपनी जगह है, मुसलमान हम सब है, उससे किसी को इनकार नहीं है। हम कह रहे हैं कि बेशक आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल होंगे, लेकिन अपनी माँ की जबान को कुछ हम दीजिए, अपनी माँ के तहत तो सोचिए कि क्या हमारा हक बनता है। आपने बहुत बड़ा स्कूल खोल दिया, आपने हजारों की तादाद में बच्चों को वहाँ तालीम देनी शुरू कर दी और बच्चे वहाँ से बेहतरीन पढ़कर निकल रहे हैं, बड़े बड़े मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं, दुनिया में मुकाम पैदा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने उस माँ का जो हक है उसको अदा किया? क्या आपने कभी सोचा कि मैंने अपनी माँ के तालुक से बहुत सारे व्हाट्सएप और ईमेल पर माँ के तकद्दुस पर, माँ के तकद्दुस के लिए और माँ की अजमत के लिए बहुत सारे मैसेजेस आप देखते रहते हो, सब कुछ ऐसा जबानी है, लेकिन अमली तौर पर क्या हो, अमली तौर पर जो बातें हम करने की जरूरत है वो मेरी सिर्फ अदबत गुजारिश है और खासतौर से मैं सिर्फ अंग्रेजी मीडियम मदारिस के जो करस्पॉन्डेंट्स हैं और सेक्रेटरीज हैं उनसे बहुत ही मुतदियाना गुजारिश करता हूँ कि बरए मेहरबानी आप अपने स्कूल में उर्दू की महक फैलाइए, क्योंकि शायर ने तो कहा था कि खुशबू की महक बन के बिखर जाएगी उर्दू, और आप वहाँ उर्दू ला कर ये साबित कर दीजिए कि ये वहम आया दोस्त कि मर जाएगी, ये वहम आया दोस्त कि मर जाएगी उर्दू। इन शाह बराबर हम कोशिश कर रहे हैं कि हजरात यहाँ बैठे हैं ये बराबर कोशिश करते रहेंगे और हमें उम्मीद है आने वाली नस्लें जो यहाँ बैठी हुई हैं, ये बच्चे भी, ये बच्चियाँ भी, इन शाला उर्दू के लिए, उर्दू के फ़रोग के लिए, इस जबान को बर्बाद कराने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनका यहाँ पर खामोशी से बैठना, सुनना और दबाव के इन सारे उलमा को समाप्त करना, ये खुद इस बात की रहनमाई करके इस बात की दलील है कि उर्दू जबान यकीनन उर्दू जबान में बहुत दम है और ये जबान आगे बहुत बढ़ रहा है। इस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया और भी हजरात ने बताया कि जब तहजीब को खत्म करना होता है तो आमतौर पर ये होता है कि उसकी जबान के पहले निशाना बनाया जाता है, जबान को खत्म किया जाता है। फरमा सदर महफिल आने जनाब फारूक साहब, जनाब फलमान साहब और मेरे बड़े भाई जनाब फाजिल हुसैन तौर साहब और यहाँ पे मौजूद तमाम और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं माजरत कहा हूँ यहाँ पे आपके बीच देर से पहुँचने का, क्योंकि सियासत में रहने के चंद फायदे भी होते हैं और उसके साथ बाद वक्त डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि वक्त की पाबंदी करना चाहते हुए भी कभी कभी लेट हो जाते हैं, और इसी बात मेरे साथ हालांकि दर्जे का प्रोग्राम था और मैं दर्जे में बिल्कुल तैयार था, मगर कुछ अजला के लोग आ गए और उसकी वजह से समझिए आप यहाँ पहुँचने में देरी हो गई। मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और साथ में उर्दू अकेडमी जीता तो तहदिल के साथ मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस उर्दू कन्वेंशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया और खासतौर पर उर्दू की जो खिदमत करते आ रहे हैं, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की जो खिदमत करते आ रहे हैं और ख़ासतौर पर तालीमी मैदान में अकलियतों को और ख़ासतौर पर मुसलमानों को सफ़े अवन में खड़ा करने के लिए जो मेहनत जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसके लिए काबिल मुबारकबाद है। हम जैसा कि जानते हैं कि लोग हिंदुस्तान में और तमाम सियासी जमातें किसी ना किसी तरीके से एक मुनज़्ज़िम साजिश के तहत जा रहे हैं। आप जाते हैं उर्दू वहाँ के जो इंडियन स्कूल हैं उसमें भी उर्दू के लिए कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ हैदराबाद के स्कूलों में भी कोशिश कर रहे हैं। आज ये पहला मौका है कि इंग्लिश मीडियम में उर्दू की तरफ से वो तरवीज के लिए कोशिश की गई है, ये गैर मामूली काम है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी इसी किस्म का काम होता है। बच्चों जोरदार तालियां। देखिए, इधर देखिए, भाई हाथ बड़े भाई,
उनके बारे में बहुत खिदमात है, जैसा कि आप जानते हैं 56 कंट्रीज में इसको रिलीज किया जाता है। और उर्दू टीवी भी चलती है, मैं तो होती है नजर फौलादी, इल्म के फैज से होता है जिगर फौलादी, इल्म से और स्टूडेंट का नाम अब्दुल मालिक और स्टूडेंट का नाम हुमेरा। और तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूलों के करस्पॉन्डेंट्स और सेक्रेटरीज से मेरी ख्वाहिश है कि वो अपने स्कूल में एक उर्दू टीचर रखकर एक उर्दू को अपने वहाँ पर एक सब्जेक्ट के तौर पर ज़रूर ब ज़रूर शामिल करें। मुझे कवी उम्मीद है कि अपनी माँ की ज़बान को ये हजरात नहीं भूलेंगे। बतौर ख़ास उर्दू मैनेजमेंट उर्दू मीडियम उर्दू के जो मैनेजमेंट वाले जो हैं वो हजरात अपनी ज़बान को तहफ़ के लिए और उसके लिए ज़रूर ज़रूर वो काम करेंगे। मैं मशकूर हूँ तमाम सहाफ़ियों का, तमाम चैनल्स का कि आप हजरात हमारे उर्दू के फ़रोग़ की इस जद्दोजहद में उर्दू एकेडमी जद्दा और कौमी यानी कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के शाया निशान आप लोग बराबर ख़बरें नशर कर रहे हैं और इशात कर रहे हैं। आप तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी जानिब से जद्दा में रहने वाले तमाम अहलियान की जानिब से हमारे सरपरस्त आला ग़ुलाम आसिफ़ समदानी साहब की तरफ से और सलीम फारूक़ी साहब की तरफ से और कॉन्फ़ेडरेशन के फारूक साहब और खलीलुर रहमान साहब और दीगर तमाम अराकीन की जानिब से मैं एक मरतबा फिर तमाम सहाफ़ियों का और बतौर ख़ास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हजरात हैं इन तमाम का फ़र्दन फ़र्दन मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग उर्दू की खिदमत में अपने तई जो हो सकता है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बेहद शुक्रिया इंशाल्लाह। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो जो उर्दू मीडियम के जो हैं वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम हो रहा है, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये काम जारी रहेगा। और हजरात भी दीगर हजरात से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस सिलसिले में तआवुन करें। लेकिन अब इस वक्त जो आज जो हमारा कन्वेंशन था उसका मकसद ये था कि अंग्रेज़ी मीडियम जो मदारिस हैं बतौर ख़ास माइनॉरिटी मैनेजमेंट के तहत वो हजरात ज़रूर बज़रूर कोशिश करें, अपना फरीज़ा अदा करें। अपनी मुकद्दस माँ का एक फरीज़ा है, अपनी ज़बान जो अपनी माँ की ज़बान है उसका एक जो हक़ है उस हक़ को अदा करने की कोशिश करें। ये मेरी उनसे बहुत ही अदबन गुजारिश है। जो कॉर्पोरेट स्कूल है और नेशनल इंटरनेशनल स्कूल जो है आप लोग उन लोगों से भी बात करें क्या उर्दू लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल। हम तमाम हजरात हत्ता के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब जब जद्दा आए थे उन्होंने भी हमसे वादा किया, अभी दो चार रोज़ पहले CM साहब ने भी ऐलान किया कि तमाम अंग्रेज़ी मीडियम मदारिस और हर जगह। मेरी ख्वाहिश ये है कि जितने बच्चे वहाँ शरीक होते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में उनसे पूछा जाए कि आपकी मादरी ज़बान क्या है। जब बच्चे अपनी मादरी ज़बान लिखाते हैं उर्दू जो लिखाते हैं उनके लिए लाजमी तौर पर उर्दू ही लेना लिख दीजिए, कोई और ज़बान के लिए वो ना जाएँ। उनसे कह दें कि आपकी चूँकि मादरी ज़बान उर्दू है इस वास्ते आप उर्दू को ही मुंतखब करना होगा, उनके लिए लाजमी करार दें तो इंशाअल्लाह ताला बराबर जो है ये उर्दू का इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से हो सकेगा। उर्दू को वहाँ से DPS से निकाला गया, इस सिलसिले में NCPUL से और सरकारी सतह पर वहाँ पर के जो मरकजी वजीर हैं मोहतरमा सुमिता ईरानी साहबा उनको भी नुमाइंदगी की है, खलीकुर रहमान साहब उसकी पैरवी कर रहे हैं। DPS स्कूल के जो हजरात हैं जिम्मेदार हैं उनसे भी उर्दू एकेडमी जद्दा की जानिब से और कौमी की जानिब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी ज़बान का एहतराम करें। और ये ज़बान ऐसी है जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान, सबसे ज़्यादा समझे जाने वाली ज़बान है, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, चाहे ड्रामाज हो, चाहे सीरियल्स हो, उर्दू के बगैर कहीं भी कोई उनका मकसद पूरा नहीं होता। आप देखेंगे कि जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर उर्दू का इस्तेमाल लाजमी है, हत्ता के